शिवराज सिंह चौहान इंदौर के संभागायुक्त कलेक्टर डीआईजी चिकित्सकों से लेकर जनप्रतिनिधियों की सराहना की जिन्होंने एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 20,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हो रही हैं। कोरोना अजीब बीमारी है जो अपनों को भी दूर कर देती है। मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। जब अस्पताल में 12 दिन भर्ती रहा और बाथरूम से लेकर रूम की सफाई तक की। उन्होंने कहा कि इंदौर ने कोरोना की जंग में कई सफलताएं हासिल की। आज नए हॉस्पिटल के शुभारंभ के साथ बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि निजी हॉस्पिटलों को लूट की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। उन्होंने अफसरों को मंच से ही निर्देश दिए कि जनता का इलाज बेहतर हो लेकिन अवैध वसूली न होने दे। मित्रों, आज इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ हुआ है। कोरोना के इस दौर में हमें और अधिक बिस्तरों की आवश्यकता थी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कारण, वैसे तो वहाँ 14 विभाग काम करेंगे लेकिन हमारी प्राथमिकता है कोविड के पेशेंट्स का इलाज। इससे इंदौर और इंदौर के आसपास की जनता को बहुत राहत मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी को, इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों को। 18 में शिलान्यास हुआ था, ताई जब लोकसभा अध्यक्ष हुआ करती थी, और स्वास्थ्य सुविधाओं की आज सबसे ज़्यादा दरकार थी बढ़ाने की, वो इससे पूरी हुई है। मुझे इससे ज़्यादा नहीं कहना बाकी। जी भैया, एक सवाल, परिवहन व्यवस्था लोगों को बड़ी दिक्कत पड़ रही है, बसें बंद है, सब चीज़ें बंद है, इसको लेकर टैक्स माफी वाला भी इसे चल रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा स्पष्ट करें आप। चर्चा जारी है। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। मेरा कहना आपसे ये था, शिवराज जी सर, आप दूसरी बार एक 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 सर, अनलॉक के बाद से ही भाजपा के जितने भी आयोजन हुए सब में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ है। कई आपने अपने शादियों में और शव यात्रा में संख्या तय करी है, राजनीतिक आयोजन में संख्या तय क्यों नहीं है? तो क्या नियम सिर्फ जनता के लिए है या नेताओं के लिए नहीं? सबके लिए नियम है, और नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। आप चौथी बार सीएम हो गए, दूसरी बार में आपने घोषणा की थी मध्य प्रदेश सहित इंदौर के सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के, लेकिन उसमें कोई प्रगति अभी तक नहीं किया है। हम करके गए थे, बीच में इन्हें कुछ व्यवस्था बदली, बहस की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हमने तय कर दिया है, बढ़े हुए बिजली के बिल सारे स्थगित किए जाते हैं। बात पूरी होने दीजिए। बढ़े हुए बिजली के बिल स्थगित किए जाते हैं। अगले महीने केवल एक महीने का ही बिल आएगा। बढ़े हुए बिजली के बिलों का पूरा परीक्षण और जांच करके हम फैसला करेंगे, वो अभी वसूल नहीं है। संक्षिप्त में से मैंने पहले एक घंटे से ज्यादा लेट जी। भैया, कलेक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, पर मेरा सिर्फ आपसे विनती है कि एक रेसिडिवीर, रेमडेसिविर और टोसिविर जूमैक्स, ये दो दवाइयाँ जान बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, ये दोनों दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है और बाहर से मंगवाना पड़ रही है, तो शिव भैया इसके लिए प्लीज़ आप कुछ कर दीजिए। जरूर जरूर, आपका सुझाव। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर, सवाल ये था, जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में 1980 रुपये में इलाज हो रहा है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो 4,500 रुपये से ज़्यादा ले रहे हैं, इसके लिए आप लोग क्या? हमने पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ में इस बीमारी की तीव्रता जान के सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों से टाई अप करके भी सरकारी खर्चे पर निशुल्क इलाज की व्यवस्था की। इंदौर में बाद में कुछ अस्पतालों को परमिट किया कि कुछ समर्थ लोग अगर हैं और वो प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहे तो वो जाके इलाज करा सकते हैं। आज मुझे कुछ शिकायतें मिली है, मैंने निर्देश दिया है कलेक्टर कमिश्नर को कि अस्पताल के प्रबंधन के साथ बैठकर रेट्स तय करें, सख्ती से उसका पालन करें, और अगर कोई मनमाने रेट वसूल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हर्ष जी।
संक्षिप्त में से मैंने पहले दो लाइन का सवाल है मेरा, एक घंटे से ज्यादा लेट शिव भैया कलेक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नो डाउट, पर मेरा सिर्फ आपसे विनती है कि एक रेसिडिवीर रेमडेसिविर और टोसिविर जूमैक्स ये दो दवाइयाँ जान बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, ये दोनों दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है और बाहर से मंगवाना पड़ रही है, तो शिव भैया इसके लिए प्लीज़ आप कुछ कर दीजिए। जरूर जरूर आपका सुझाव। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर, सवाल ये था जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में 1980 रुपये में इलाज हो रहा है वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो 4,500 रुपये से ज़्यादा ले रहे हैं, इसके लिए आप लोग क्या? हमने पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ में इस बीमारी की तीव्रता जान के सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों से टाई अप करके भी सरकारी खर्चे पर निशुल्क इलाज की व्यवस्था की। इंदौर में बाद में कुछ अस्पतालों को परमिट किया कि कुछ समर्थ लोग अगर हैं और वो प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहे तो वो जाके इलाज करा सकते हैं। आज मुझे कुछ शिकायतें मिली है, मैंने निर्देश दिया है कलेक्टर कमिश्नर को कि अस्पताल के प्रबंधन के साथ बैठकर रेट्स तय करें, सख्ती से उसका पालन करें और अगर कोई मनमाने रेट वसूल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हर्ष जी।